हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्यायों में हमने चर्चा की थी विशेषण की परिभाषा, साथ ही हमने जाने थे विशेषण के भेद और उनकी परिभाषा पर चर्चा की थी, और हमने संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना भी सीखा था और संज्ञा शब्दों के विशेषण भी हमने जाने थे। आज के अध्याय में दोस्तों हम जानेंगे परिमाणवाचक व संख्यावाचक विशेषण में अंतर, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर, और साथ ही साथ विशेषणों की रचना, जिसमें हम आपको पिछले अध्याय में संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाने पर तो बता ही चुके हैं। आज के अध्याय में विशेषणों की रचना के अंतर्गत हम सर्वनाम से विशेषण, क्रिया से विशेषण और अव्यय शब्दों से विशेषण बनाना सीखेंगे, और हम विशेषण की अवस्थाओं पर भी चर्चा करेंगे। विशेषण की मूलतः तीन अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। इन पर भी हम आज के अध्याय में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय विशेषण, और जानते हैं विशेषण के बारे में आगे और विस्तार पूर्वक। अब विशेषणों के मध्य अंतर, परिमाणवाचक व संख्यावाचक विशेषण में अंतर। जिन वस्तुओं की नाप तोल की जा सके उनके वाचक शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मैं उदाहरण आपको बता रही हूँ, कुछ फल लाओ, ये कुछ शब्द इसमें आपने देखा तोल के लिए आया है, इसलिए यह शब्द जो है यह परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। और जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके उनके वाचक शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे मैंने बोला कुछ बच्चे इधर आओ, इसमें हमने देखा कि जो कुछ है वो हमने बच्चों की गिनती के लिए प्रयोग में लाए हैं, तो इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। परिमाणवाचक विशेषणों के बाद द्रव्य अथवा पाठवाचक संज्ञाएं आएंगी, जबकि संख्यावाचक विशेषणों के बाद जातिवाचक संज्ञाएं आती हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम आप लोगों को पता ही है कि जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर हो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मुंबई गया, तो इसमें जो वह शब्द है वह सर्वनाम है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के पूर्व अथवा बाद में विशेषण के रूप में किया गया हो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने बोला कि वह रथ आ रहा है, इसमें वह शब्द रथ का विशेषण है, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। तो दोस्तों, ये तो हुई परिमाणवाचक व संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है, और साथ ही साथ सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण का अंतर। चलिए अब हम चर्चा करते हैं विशेषणों की रचना। कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, किंतु कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा आदि शब्दों से की जाती है, जैसे संज्ञा से विशेषण, सर्वनाम से, क्रिया से, या फिर अव्यय शब्दों से विशेषण। दोस्तों, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना हम पहले ही सीख चुके हैं। आज के अध्याय में अब हम आगे सर्वनाम से विशेषण, क्रिया से विशेषण और अव्यय शब्दों से विशेषण बनाना देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सर्वनाम से विशेषण। यहाँ मैंने एक तरफ सर्वनाम लिखी है, उसके सामने विशेषण। वह सर्वनाम का विशेषण हो जाएगा वैसा, यह का हो जाएगा ऐसा, और कौन सर्वनाम का कैसा, हम का विशेषण होगा हमारा, और जो का होगा जैसा, मैं का मेरा, तुम का तुमसा, और आप का विशेषण होगा आपसा। अब हम देखते हैं क्रिया से विशेषण। क्रिया मैंने पहले बोली पत, उसका विशेषण हुआ पतित, पठ का विशेषण पठित, भागना का भागने वाला, पालना का पालने वाला, और पूज का पूजनीय, वंद का वंदनीय, कमाना क्रिया का विशेषण हुआ कमाऊ, लूटना क्रिया का लुटेरा, बनना का बनावटी, लिखना का लेखनिया, तैरना का तैराक, और देखना का दिखावटी। अब हम देखते हैं दोस्तों अव्यय शब्दों के विशेषण। अव्यय शब्द मैंने बोला पीछे, इसका विशेषण होगा पिछला, ऊपर, इसका विशेषण ऊपरी, आगे का विशेषण अगला, नीचे का निचला, बाहर का बाहरी, भीतर का भीतरी। समीप अव्यय का विशेषण हुआ समीपस्थ, यथा का यथावत, और तथा का तथावत। अब हम जानते हैं दोस्तों विशेषण की अवस्था।
वस्तुओं के गुणों के मिलान को हम तुलना कहते हैं। और तुलना के विचार से ही विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। मूल अवस्था क्या होती है, अब हम इसे भी जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता, वह केवल किसी की भी हमें सामान्य विशेषता बताता है, सामान्य विशेषता को प्रकट करता है। जैसे कि राम बलवान है, इसमें जो बलवान है, राम बलवान है, यह राम की मूल अवस्था बताई गई है कि वो बलवान है। रीना मोटी है। इन दोनों वाक्यों में बलवान और मोटी शब्दों द्वारा राम और रीना के गुण और दोषों का उल्लेख किया गया है, अतः यह विशेषण की मूल अवस्था है। चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं उत्तरा अवस्था। जब व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है, मतलब दो के, तब विशेषण उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है। जैसे मोहन सोहन से अधिक बलवान है, या फिर श्यामा रमा से अधिक मोटी है। अब इन दोनों वाक्यों में आपने देखा, जो अधिक शब्द है उसके द्वारा मोहन और सोहन और श्यामा और रमा की तुलना कर एक की विशेषता दूसरे से बताई गई है। यानी कि जो मोहन है वो सोहन से ज़्यादा बलवान है, ये मोहन की विशेषता है, सोहन से अधिक है वो बलवान। श्यामा रमा से अधिक मोटी है, तो इससे हमें पता चलता है कि श्यामा मोटी है रमा से ज़्यादा, अतः यह उत्तरावस्था कहलाएगी। अब हम विशेषण की तीसरी और आखिरी अवस्था को देख लेते हैं, उत्तमा उत्तम अवस्था। इसमें दो से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं की तुलना करके किसी एक की विशेषता को सबसे अधिक और सबसे कम बताया जाता है। कैसे, जैसे कि दारा सिंह सबसे अधिक बलवान है और बिमला सबसे अधिक मोटी है। इन दोनों वाक्यों में सबसे अधिक द्वारा तुलना करके दारा सिंह और विमला का बलवान व मोटा होना बताया गया है, इसीलिए यह विशेषण की उत्तम अवस्था है। दोस्तों, केवल गुणवाचक एवं अनिश्चित संख्यावाचक तथा निश्चित परिमाणवाचक विशेषणों की ही ये तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, बाकी अन्य विशेषणों की ये तुलनात्मक अवस्थाएं नहीं होती, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो दोस्तों, ये हमने विशेषण के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। आगे के अध्याय में भी हम जानेंगे हिंदी भाषा के प्रमुख विषयों और उन पर हम चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।